हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। आज हम करेंगे अपने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि हमें ये बायनोमियल टर्म है सिंगल, इसको ट्राइनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 3a को लिख लेते हैं यहाँ पे, 3a प्लस 4b माइनस 5c। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख दी 3 3 9 ए स्क्वायर प्लस 3 4 12 ए एंड बी दोनों वेरिएबल आ गए, प्लस माइनस माइनस 3 5 15 ए एंड सी आंसर आ गया हमारा। देन यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 5 क्योंकि कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 2x है यहाँ पे 1 और 2 पावर 2 हो गई, y कितने यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 पावर हो गई 3, माइनस माइनस प्लस 5 6 30, x की पावर कितनी आ गई 3 एंड y की पावर आ गई 2 हमारे पास। अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ ये देखिए, ये टर्म क्या है बायनोमियल, ये भी क्या है बायनोमियल, टू बायनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपने ध्यान से सीखना है। सबसे पहले एंड है तो हम उसको हटा देते हैं, दोनों को ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट्स है यहाँ पे, मल्टीप्लाई का साइन लगाने की कोई नीड नहीं होती अगर आपके पास यहाँ पे आपने ब्रैकेट बनाई हुई है, तो ये इसका मतलब ही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब दो बायनोमियल टर्म्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बहुत ध्यान से समझना है आप सबने। सबसे पहले आपने फर्स्ट टर्म में से एक जो नंबर फर्स्ट लिखना है उसकी टर्म, देन उसको उस फर्स्ट को सेकंड वाली पूरी बायनोमियल जो हमारी है एक्सप्रेशन उससे मल्टीप्लाई कर देना है, देन प्लस 2 लिख के इससे मल्टीप्लाई कर देना है, देन हमने x को भी इस पूरी से करना है और 2 को भी इस पूरी से करना है, देन x इंटू 10 10x, 2 इंटू x 2x, 2 10 20। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को ऐड कर देना है, जैसे यहाँ पे x एंड x प्लस हो सकते हैं, 10 प्लस 2 क्या आ गया 12 12 प्लस 20, 12x प्लस 20 आंसर आ गया। देन आपने देखने लाइक टर्म्स जब भी हो रही है ऐड भी करना है, नेक्स्ट टर्म भी करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर दोनों बायनोमियल टर्म है तो फर्स्ट में से इसको लिखना है और सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई, देन जो साइन है एज इट इज़ प्लस 5, फिर से सेकेंड टर्म पूरी लिख देनी है पूरी एक्सप्रेशन, x x जा x स्क्वायर x 3 जा 3x, प्लस माइनस माइनस प्लस 5x जा 5x, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, देन एक्स स्क्वायर, अब दोनों एक्स एक्स लाइक टर्म है, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2x, साइन बड़े डिजिट का आएगा, माइनस 15 आ गया साथ में, देन अगेन एक्स एक्स प्लस 3 माइनस 5 एक्स प्लस 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया 3x, 5x जहाँ 5x, माइनस प्लस माइनस 5 3 जहाँ 15, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2x, एंड साइन आएगा 5 बड़ा है उसका साइन माइनस है तो उसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा, देन एक्स एज इट इज एक्स माइनस 3 माइनस 5 एक्स माइनस 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स 3 जहाँ 3x, 5x जहाँ 5x, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, अपने ध्यान देना है साइन का हर बार, माइनस माइनस प्लस 5 3 जहाँ 15, देन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ गया 8x प्लस 15, देन 2x प्लस y करना है हमने, x प्लस 3y से मल्टीप्लाई 2x लिख लिया, x प्लस 3y प्लस y अगेन x प्लस 3y, 2 1 जहाँ 2 क्योंकि नंबर तो है नहीं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 2 नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं वेरिएबल वेरिएबल के साथ, 2 3 जहाँ 6 एक्स एंड y दोनों ही आ गए, यहाँ पे भी x इंटू y एक्स वाई दोनों आ जाएंगे, y इंटू दिस 3 एज इट इज y कितने हो गए 2, ये आ गया हमारा आंसर 3x एक्स प्लस 6y माइनस 5y एक्स प्लस 6y, यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3 6 जा 18 एक्स वाई, 5 1 जा 5 एक्स वाई, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5 6 जा 30 वाई स्क्वायर, क्योंकि 2y हो गए यहाँ पे, यहाँ पे लाइक टर्म क्या है ये दोनों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 18 में से 5 गए 13 xy, देन साइन बड़े डिजिट का माइनस 30y स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमारा इनको ऐड करना रह ही गया था, यहाँ पे हम कर देते हैं 6 प्लस 1 7xy प्लस 3y स्क्वायर, देन x x माइनस 5y
प्लस 9y एक्स माइनस 5y, एक्स इन टू एक्स एक्स स्क्र 5x, जहाँ ये एज इट इज़ आ जाएगा, x साथ में आ गया, 9 ones are 9, एक्स वाई प्लस माइनस माइनस 9 5s are 45, वाई स्क्र एक्स स्क्र एज इट इज़, देन माइनस प्लस माइनस 9 में से 5 गए 4, साइन आएगा 9 बड़ा है बड़े डिजिट का, 4xy माइनस 45 वाई स्क्र, यहाँ पर पहले 2x किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x प्लस 5y, देन अगेन 5y लिख के 2x प्लस 5y, देन 2 into 2, 2 2s are 4, x square प्लस 2 5s are 10, x और y दोनों वेरिएबल आ जाएंगे, 5 2s are 10 एक्स वाई प्लस 5 5s are 25 वाई स्क्र, 4x square दोनों सेम लाइक टर्म्स है, 10 plus 10 20xy प्लस 25y square, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 and 7 कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको बायनोमियल टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई है, अगर इनकेस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।